सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। इस वीडियो में आपको एक खास इंट्राडे इंडिकेटर के बारे में बता रहा हूं। यह इंडिकेटर ऑटोमेटिकली सपोर्ट रेजिस्टेंस मार्क कर देगा और आपको बाय और सेल सिग्नल प्रोवाइड करेगा। अब मैंने पहले ही बोल दिया है, यह इंडिकेटर इंट्राडे इंडिकेटर है, तो चाहे आप निफ्टी बैंक निफ्टी पर ट्रेड कर रहे हो या फिर स्टॉक्स में ट्रेड कर रहे हो, तो इस इंडिकेटर का एक बार जरूर यूज करके देखिएगा, क्योंकि पर्सनली इस इंडिकेटर को मैंने मार्केट में 30 से 32 दिन टेस्ट किया हुआ है। तो 2 से 3 दिन आपको सबसे पहले इस इंडिकेटर को फॉरवर्ड टेस्टिंग करना है। वीडियो को लास्ट तक देखना है, आपको खुद ब खुद रिजल्ट नजर आएंगे। यह इंडिकेटर ऑटोमेटिकली आपको प्रॉफिट कराने में हेल्प करेगा, यह मैं आपको गारंटी देता हूं। तो कैसे यूज करना, सबसे पहले वीडियो को लास्ट तक देखिए और जानेंगे इस इंडिकेटर की पूरी डिटेल, कौन सा इंडिकेटर है, कैसे आपको यूज करना है, ठीक ना। तो वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं, उससे पहले हर बार मेरी एक रिक्वेस्ट रहती है। क्या रिक्वेस्ट रहती है? तो सबसे पहले मेरी रिक्वेस्ट ये रहती है कि 2 मिनट लगते हैं वीडियो को लाइक करने में, चैनल को सब्सक्राइब करने में। स्टॉक मार्केट से रिलेटेड अगर आपको कॉन्टेंट चाहिए तो आपको चैनल को सपोर्ट करना पड़ेगा, सब्सक्राइब करना पड़ेगा, तो एवरीवन लाइक जरूर करेगा। और अब हम करते हैं वीडियो को स्टार्ट। सबसे पहले ट्रेडिंग सेटअप के बारे में जानते हैं। हम बैंक निफ्टी के 5 मिनट का चार्ट ओपन करेंगे। हम ट्रेडिंग व्यू के सर्च बॉक्स में RSI एंड MACD रिवर्सल सिग्नल सर्च करेंगे। इसके बाद हमें RSI एंड MACD रिवर्सल सिग्नल विकल्प पर क्लिक करना होगा। इस इंडिकेटर की सेटिंग ओपन कर लेंगे। इनपुट में MACD फास्ट पीरियड 12 को 32 में बदल देंगे और MACD स्लो पीरियड 26 को 42 में बदल देंगे। MACD सिग्नल स्मूथिंग 9 को 16 में बदल देंगे। अब ओके कर देंगे। चार्ट पर एक और इंडिकेटर लगाना होगा। हम ट्रेडिंग व्यू के सर्च बॉक्स में लगेर RSI सर्च करेंगे। इसके बाद हमें लगेर RSI विकल्प पर क्लिक करना होगा। इस इंडिकेटर की सेटिंग ओपन कर लेंगे। इनपुट्स में अल्फा 0.2 को 0.4 में बदल देंगे। ओके पर क्लिक कर देंगे। अब हमारा सेटअप तैयार है। जैसा कि आप देख सकते हैं कि RSI और MACD रिवर्सल सिग्नल इंडिकेटर ने बाय का सिग्नल दिया है। अब हम सेकंड कंफर्मेशन के लिए हिस्टोग्राम इंडिकेटर देखें, तो यहां लागेर RSI ओवरबॉट है और लास्ट कंफर्मेशन के लिए यहां मार्केट ने बुलिश कैंडल बनाया है। यदि मार्केट ये सभी कंडीशन पूरी करता है तो हम यहां बाय ट्रेड ले सकते हैं। हमारा स्टॉप लॉस पिछले लॉ पर रखा जाना है और इस ट्रेड का रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो 1 से 1.5 होगा। मार्केट ने कंप्लीटली टारगेट को हिट कर दिया है। चलिए अब शॉर्ट पोजीशन को समझ लेते हैं। RSI और MACD रिवर्सल सिग्नल इंडिकेटर ने सेल का सिग्नल दिया है। अब हम सेकंड कंफर्मेशन के लिए हिस्टोग्राम इंडिकेटर देखें, तो यहां लागेर RSI ओवरसोल्ड है और लास्ट कंफर्मेशन के लिए यहां मार्केट ने बेरिश कैंडल बनाया है। यदि मार्केट ये सभी कंडीशन पूरी करता है तो हम यहां सेल ट्रेड ले सकते हैं। हमारा स्टॉप लॉस पिछले हाई पर रखा जाना है और इस ट्रेड का रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो 1 से 1.5 होगा। मार्केट ने कंप्लीटली टारगेट को हिट कर दिया है। हमें उम्मीद है कि आप इस ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी को समझ गए होंगे। यदि नहीं तो कोई बात नहीं, हम कुछ एग्जाम्पल देखने जा रहे हैं। RSI और MACD रिवर्सल सिग्नल इंडिकेटर ने बाय का सिग्नल दिया है। यहां पर लगे रहे RSI 80 लेवल से ओवरबॉट हैं और लास्ट कंफर्मेशन के लिए यहां मार्केट ने बुलिश कैंडल बनाया है। यदि मार्केट ये सभी कंडीशन पूरी करता है तो हम बाय का ऑर्डर लगाएंगे। हमारा स्टॉप लॉस पिछले लॉ पर रख देंगे और रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो 1 से 1.5 होगा। मार्केट ने टारगेट को हिट कर दिया है। अब हम नेक्स्ट ट्रेड देखते हैं। RSI और MACD रिवर्सल सिग्नल इंडिकेटर ने सेल का सिग्नल दिया है। यहां पर लगर RSI 20 लेवल से ओवरसोल्ड है और लास्ट कंफर्मेशन के लिए यहां मार्केट ने बेरिश कैंडल बनाया है। यदि मार्केट ये सभी कंडीशन पूरी करता है तो हम सेल का ऑर्डर लगाएंगे। हमारा स्टॉप लॉस पिछले हाई पर रख देंगे और रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो 1 से 1.5 होगा।
मार्केट ने टारगेट को हिट कर दिया है। अब हम नेक्स्ट ट्रेड देखते हैं। RSI और MACD रिवर्सल सिग्नल इंडिकेटर ने बाय का सिग्नल दिया है। यहां पर लगे रहे RSI 80 लेवल से ओवरबॉट हैं और लास्ट कंफर्मेशन के लिए यहां मार्केट ने बुलिश कैंडल बनाया है। यदि मार्केट ये सभी कंडीशन पूरी करता है तो हम बाय का ऑर्डर लगाएंगे, हमारा स्टॉप लॉस पिछले लॉ पर रख देंगे और रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो 1:1.5 होगा। मार्केट ने टारगेट को हिट कर दिया है। अब हम नेक्स्ट ट्रेड देखते हैं। RSI और MACD रिवर्सल सिग्नल इंडिकेटर ने सेल का सिग्नल दिया है। यहां पर लगर RSI 20 लेवल से ओवरसोल्ड हैं और लास्ट कंफर्मेशन के लिए यहां मार्केट ने बेयरिश कैंडल बनाया है। यदि मार्केट ये सभी कंडीशन पूरी करता है तो हम सेल का ऑर्डर लगाएंगे, हमारा स्टॉप लॉस पिछले हाई पर रख देंगे और रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो 1:1.5 होगा। मार्केट ने टारगेट को हिट कर दिया है। अब हम नेक्स्ट ट्रेड देखते हैं। RSI और MACD रिवर्सल सिग्नल इंडिकेटर ने बाय का सिग्नल दिया है। यहां पर लगे रहे RSI 80 लेवल से ओवरबॉट हैं और लास्ट कंफर्मेशन के लिए यहां मार्केट ने बुलिश कैंडल बनाया है। यदि मार्केट ये सभी कंडीशन पूरी करता है तो हम बाय का ऑर्डर लगाएंगे, हमारा स्टॉप लॉस पिछले लॉ पर रख देंगे और रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो 1:1.5 होगा। मार्केट ने टारगेट को हिट कर दिया है। अब हम नेक्स्ट ट्रेड देखते हैं। RSI और MACD रिवर्सल सिग्नल इंडिकेटर ने सेल का सिग्नल दिया है। यहां पर लगर RSI 20 लेवल से ओवरसोल्ड हैं और लास्ट कंफर्मेशन के लिए यहां मार्केट ने बेयरिश कैंडल बनाया है। यदि मार्केट ये सभी कंडीशन पूरी करता है तो हम सेल का ऑर्डर लगाएंगे, हमारा स्टॉप लॉस पिछले हाई पर रख देंगे और रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो 1:1.5 होगा। इस ट्रेड में हमारा लॉस हो गया। इस वीडियो में बस इतना ही। आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करिए और बिल्कुल फ्री में स्टॉक मार्केट सिखाने की आपको कोशिश करते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो मिलते हैं ऐसे ही इंटरेस्टिंग नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।